ऐसा है, अब एम्प तो मेरे पास आ गए हैं दो एवाटार के, और वूफर भी पहुंच गए हैं द LBM, और वायर्स भी आ गई हैं जीरो गेज की, तो बैटरी आनी अभी बाकी है। अब पड़ा है मेरे पास सामान, तो क्या किया जाए। कीड़ा है कि भाई अब क्या करें इसका। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने पुराना जो सोनी का एम्प है उसको रिप्लेस करके फ़िलहाल एक एम्प लगाता हूँ मैं एवाटार का, उस पर ये दोनों चलाते हैं। फिर जब बैटरी आएगी तो फिर मैं अपने वो LBM वाले इंस्टॉल करूँगा इसके ऊपर। तो चलते हैं घर फिर और करते हैं इंस्टॉल एवाटार का एम्प सोनी को निकाल कर, और फिर उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। चलो। तो भाई लोग, मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ अपना एवाटार का एम्प। तो ये सोनी का है, ये निकलेगा। फिलहाल अभी मैं एक ही लगा रहा हूँ इसको, क्योंकि अभी मेरा बॉक्स तैयार नहीं हुआ है। तो यही वाले वूफर चलाऊंगा पहले मैं इस एम्प पे। तो इसको इंस्टॉल करके दोबारा मिलते हैं। तो फिलहाल तो मैं पुरानी अपनी 8 गेज वायर्स ही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये है पॉजिटिव और ये ग्राउंड की है। तो इनको अब कनेक्ट करके फिर चला के देखते हैं। ये देखो, कनेक्शन तो मैंने कर दिए हैं, वायरिंग थोड़ी मेस्ड अप सी है। ये तो फाइनल इंस्टॉलेशन होगी ना, तो सही से करवाऊंगा। फिलहाल तो काम चलाने के लिए किया हुआ है। चलो देते हैं इसको यहाँ से इनपुट। ये है इसकी इनपुट, और ये अगर ब्रिज करना हो तो उसकी आउटपुट। तो फिलहाल इनपुट देकर इसको ट्राई करके देखते हैं चला के। ठीक ही रहा है, बाकी सेटिंग वेटिंग बात करके फिर दोबारा करके देखते हैं। अरे देखो भाई, काम करते करते साला फ्यूज़ उड़ गया। ये देखो, काला हो गया ना सारा। अब क्या करेंगे इसको, अब मैं ये फ्यूज़ ऐसे करके ना इसका फ्यूज़ तैयार करेंगे टेम्परेरी। ये इसके नट्स हैं, इन नट्स में ये लगाकर और इस पे फ्यूज़ लगाते हैं टेम्परेरी करने के लिए। हाँ, ये देखो, ये टेम्परेरी फ्यूज़ तो बना दिया। लेट्स होप इट वर्क्स। ये देखो, अभी टेम्परेरी है, करेंगे इसका जुगाड़ कर कुछ। तो लो भाई, सेटिंग का टाइम आ गया है। वैसे गेन तो मैंने सेट कर दिया है, बेस बूस्ट थोड़ा सेट करना है बस। साउंड मैंने 2 पे रखी है, एंड जस्ट चेकिंग कि 2 पे और वोकल्स और बेस आर इनफ। तो उस हिसाब से फिर सेटिंग, वैसे सबका अपना अपना तरीका है, मे बी आई एम रॉन्ग, पर मेरा यही तरीका है। सो गुड टू गो। चलो ठीक ही लग रहा है फिलहाल के लिए, तो ठीक है। बाकी छोटे मोटे निगल्स तो फिर मैं बाद में चेक करूँगा, पर फिलहाल है कि काम बन गया एंड दिस फ्यूज़ इज़ वर्किंग गुड।